नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर। और आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों संडे गार्डन पे है कि मैं संडे गार्डन अपडेट दूंगी, अपने गार्डन का ओवरव्यू बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक के, पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए, तो पहले तो मैं अपने हमारे इस छत का मैं ओवरव्यू दूंगी और फिर उसके बाद में मैं सामने वाले छत का दूंगी, वो भी मेरा ही गार्डन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ में। तो मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे अडेनियम के प्लांट है और ये देखिए, ये इस कलर का है और एक ये लाइट कलर का है दोस्तों। और यहाँ पर मेरी ये सारी सकुलेंट प्लांट रखे हुए हैं, ये देखिए। और ये हमारे अडेनियम रखे हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये शेड एरिया में रखे हैं दोस्तों, ये देखिए। और इधर नीचे हमारी सारी कटिंग रखी हुई है, पूरी यहाँ से वहाँ तक गुलदाउदी से लेके सारी कटिंग, जितने भी मैंने लगाई थी सारी कटिंग्स रखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। तो यहाँ से अडेनियम है और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे पूरे गुलाब रखे हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये बटन रोज़ है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए एक साथ सारे फ्लावर खिले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और इधर भी देखिए, ये भी हमारे गुलाब हैं, इसमें भी गुलाब खिले हुए हैं दोस्तों, बारी बारी से खिलते हैं। ये वाले जो प्लांट है इसमें इतने ढेरों, इतने बड़े बड़े फ्लावर खिले थे। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उसमें आप हर वीडियो में मैंने बताया है। उसके बाद में अब ये वाले प्लांट्स की बारी है, तो इसमें भी देखिए कितने फूल खिले हैं। सुबह भी मैंने इसमें से फूल तोड़ लिया है पूजा के लिए दोस्तों, ये देखिए। और पीछे भी खिला हुआ है, ये देखिए पीछे भी खिला है, इधर ये भी कलियां हैं। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे फूल खिल रहे अब स्टार्ट हुए यहाँ से, और इसमें भी ढेरों फूल खिले थे और अब फिर से कलियां बन रही है। तो दोस्तों ये गुलाब है और यहाँ पर हमारे ये जीनिया रखे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। और दोस्तों चार पाँच दिन में आज धूप निकली है अभी थोड़ी सी। तो इधर हमारा रात रानी का है, इधर हमारे ये 4 o'clock है, इधर मेरे 3 colors हैं, इसमें ये ऑरेंज वाला है और ये वाइट वाला है और उधर पिंक वाला है दोस्तों। तो इधर मेरे पूरे 4 o'clock रखे हैं 4-5 plants। और यहाँ देखिए नीचे जेट प्लांट रखा, और यहाँ देखिए अलमांडा की बहार दोस्तों, कितने फूल खिले हैं अनगिनत, इतने सारे फूल खिले थे। ये कटिंग भी है और काफ़ी फूल झड़ गए, कलियाँ भी बनी हैं। और इधर हमारा नागचंपा है, ये भी बहुत ही अच्छे से खिल रहा है, देखिए चारों तरफ फूल खिले हुए हैं इसके भी। और यहाँ पर हमारा एक जोरा रखा है, यहाँ हमारी वंडरिंग जू है, वहाँ पर हमारा स्नेक प्लांट है, ये लालसा प्लांट है, इधर कोचिया के प्लांट है, उधर हमारा बोस्टन फन है, उधर हमारा डबल चांदनी का है, और यहाँ पर हमारे सारे कोलियस के कलेक्शन है दोस्तों। कोलियस भी इतना खूबसूरत प्लांट है कि इसके कलर इतने अच्छे हो गए हैं, बारिश में तो बहुत ही अच्छे से खिल जाते हैं, हर कलर अपने आप में एक सुंदरता बिखेर रहा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर हमारी अजवाइन प्लांट है, और यहाँ देखिए इम्पेंशंस के 3 colors है, तीनों बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारा बेबी सन रोज, इसकी हैंगिंग बास्केट है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। बारिश के दिन में सारे प्लांट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इधर ये हमारा स्पाइडर प्लांट, उधर सिंगोनिया प्लांट है, और इधर हमारी पूरी हैंगिंग बास्केट लगी हुई है यहाँ पर, और इधर भी एक कोचिया का प्लांट है। और इस तरफ में आते हैं तो इधर की तरफ में दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, कुछ के नाम मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये पीलिया प्लांट है, इधर पोस्टन फन है, इधर पिलो ड्रेन ड्रोन है, और इधर ये क्लोथिया की वेराइटी है, ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही, बहुत सुंदर फूल है ये इसका। और इधर हमारा डेफिन वाकिया है, इसमें भी 2 varieties है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। और इधर भी ये क्लेडियम की वेराइटी है दोस्तों, ये देखिए 2 colors है, इसमें भी एक ये और एक ये क्लेडियम है। और इधर देखिए ये भी एक प्लांट है, और इधर पर हमारा एलोवेरा है, उधर हमारा गोल्डन पोथोस है, मनी प्लांट की वेराइटी है,
और उधर भी एक कथाई कलर का मनी प्लांट की वैरायटी है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये हमारा वाइट कलर का डहेलिया बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। और ये पोनी टेल है दोस्तों, पोनी टेल नाम बोलते हैं। इधर हमारा ये जीजी प्लांट है और इधर हमारा ये जेब्रा प्लांट है। और इधर दोस्तों ये लिली की ही वैरायटी है, इसमें भी देखिए पहला फूल खिला है जो रोड साइड में रहता है। और ये पोल्का डॉट है, इसमें दो कलर है, एक ये कलर है एक ये कलर है। और ये हमारा ड्रेसिना, ड्रेसिना की भी मेरी वैरायटी काफ़ी सारी है। ये देखिए एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी ये है दोस्तों, और एक वैरायटी ये है इधर है, ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है। और एक वैरायटी ये है, ये देखिए ये भी ड्रेसिना ही की वैरायटी है। इधर ये स्नेक प्लांट है, ये छोटा वाला स्नेक प्लांट है। और इधर ये मोस्टेरा है, ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी है। तो दोस्तों इधर ये देखिए, इसको विद्या का प्लांट बोलते हैं और इसको बेबी टेयर बोलते हैं। ये देखिए इसकी लीव्स देखिए बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो मनी प्लांट, जो खास देसी मनी प्लांट होता वो है दोस्तों, ये जेब्रा प्लांट। और इधर फिर से ये एक्जोरा आ गया है। और ये सप्तपर्णी नाम से ये प्लांट जानते हैं, रोड साइड होता है। और वहाँ देखिए पूरे हमारे बोस्टन फर्न है, इधर हमारा ये करी लीव है, इधर हमारा ये अरेलिया का प्लांट है दोस्तों। और इधर देखिए हैंगिंग बास्केट, और ये अपराजिता, और ये समी का प्लांट है दोस्तों। समी में फूल भी आए थे, रोज़ भगवान जी को चढ़ जाते हैं शिव जी को, इसलिए फूल बचते नहीं हैं। और इधर हमारे ये पूरे रोसमोस पोर्चुला, इधर देखिए ये हमारे मुसंडा प्लांट है। इधर भी ये दो कलर के हैं, एक ये कलर का एक ये पिंक कलर का है। इधर हमारा ये टिकोमा के भी मेरे दो तीन कलर हैं दोस्तों, तीन कलर हैं, ये बड़े बड़े प्लांट है। और ये कटिंग लगाई है मैंने ये स्थल कमल की। और इधर हमारा ये चीकू का प्लांट है। और इधर हमारा ये देखिए ये हार श्रृंगार का है। इधर हमारा ये हमेलिया है, और इधर स्प्रिंग प्लांट बोलते हैं इसको। और इधर हमारा ये सफलेरा के वैरायटी ही आती है। और इधर हमारे सारे कनेर रखे हैं, ये वाइट कनेर है, येलो कनेर रेड कनेर भी है। तो इस प्रकार है हमारा छत, ये देखिए तो कुछ इस प्रकार चल रहा है हमारा ये छत, इस वाले छत का ओवरव्यू। अब हम सामने वाले छत का ओवरव्यू बता देते हैं दोस्तों। और यहाँ ही पर ये देखिए ये भी रखे हैं, ये बहुत सुंदर खिल रहे हैं ये। तो चलिए दोस्तों इस वाले छत का भी ये देखिए एंट्रेंस है यहाँ से। और यहाँ पर भी देखिए बड़े बड़े प्लांट हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे से फूल खिले हैं। ये चंपा के हैं, ये लाल चंपा है। और दोस्तों मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इस प्लांट का मुझे नाम नहीं मालूम है। ये लाल कलर के फूल आते हैं, जैसे बरबटी में सेम कलर में फूल आते हैं, वैसे इसमें रेड कलर के आते हैं, थोड़े से पिंकिश में, लेकिन प्लांट का नाम नहीं मुझे मालूम है। हर समय मैंने पूछा है लेकिन किसी ने जवाब भी नहीं दिया है। और ये देखिए ये हमारे मेक्सिकन पिटूनिया है, ये बैंगनी कलर के हैं। और भी है मेरे पास में, वाइट भी है और पिंक भी है। और ये देखिए ये हमारे पूरे रोसमोस है, यहाँ से यहाँ तक के पूरे दीवार पे मेरे रोसमोस लगे हैं। और चार पाँच दिन से तो दोस्तों आज खिले हैं, क्योंकि आज धूप निकली है, नहीं तो आ ही नहीं थे, फूल खिल ही नहीं पा रहे थे हमारे ये वाले। तो ये देखिए खूब अच्छे से खिल रहे हैं ये वाले, तो पूरी दीवार पे मेरे यही रखे हैं। और यहाँ से यहाँ तक के मेरे ये जो मेरे प्लांट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक के दोस्तों ये मुझे सेल करना है। अगर किसी को चाहिए तो आप बता सकते हैं, और जो मेरे एरिया के आसपास रह सकते हैं, जो आके ले जा सकते हैं, वही लोग परचेस कर सकते हैं दोस्तों। नर्सरी से मैं हाफ रेट में देने को तैयार हूँ, इतने बड़े बड़े प्लांट हैं तो। और फिर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये लाल चंपा है, उधर हमारा बोगनवेलिया है, और ये स्थल कमल है। ये मैं 100 रुपीस का लाई थी, इतना बड़ा फूल है, डबल पैटर्न का है दोस्तों यहाँ पर। और ये हमें कुछ मेरीगोल्ड रखे हुए हैं, मेरीगोल्ड की कटिंग भी है यहाँ पर। और इधर देखिए ये हमारा
नींबू का प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है। और इधर ये देखिए मधुकामनी, और इधर ये देखिए मधुमालती का भी है। इसमें देखिए बहुत छोटा सा प्लांट है लेकिन ये फ्लावर का गुच्छा आ गया है। इधर हमारा ये आंवले का प्लांट है, और वहाँ पर हमारा बादाम का प्लांट है दोस्तों। और यहाँ पर भी मेरे सारे प्लांट रखे हैं, सलोसिया है, ये देखिए ये मेरी डहेलिया है, ये डहेलिया और बैंगनी कलर की है, उधर वाइट कलर की देखी थी आपने। और इधर देखिए ये फाइकस का है दोस्तों, ये फाइकस प्लांट है। उधर रबर प्लांट है, देखिए रबर प्लांट भी है। ये देखिए ये हमारे ब्लीडिंग हार्ट की वाइन है ये। और इधर ये लाल चंपा है, देखिए इसमें फ्लावर खिला हुआ था लेकिन अब साथ झड़ गया बारिश में। और ये चंपा कुछ अलग कलर का है, और ये छोटी वैरायटी का एक्जोरा है। और दोस्तों ये कौन सा प्लांट है ये भी मुझे नहीं मालूम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस इधर भी मेरे सारे प्लांट रखे हुए हैं, ये देखिए ये ग्लोडिया रखे हुए, इधर पूरे हिबिस्कस रखे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हैं एक साथ। ये बैंगनी कलर का फूल है, ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर है, कितने सारे खिले हैं इधर। और इधर ये देखिए पिंक वाले हिबिस्कस खिला है, और इधर भी बहुत काफ़ी फूल खिले हैं हिबिस्कस के, ये देखिए। और इधर ये वाइट वाले के भी खिले हैं, ये देखिए। और इस तरफ में देखिए हमारा आलमांडा में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट है। और इधर हमारे सारे वेजिटेबल्स के हैं, ये देखिए बैंगन का प्लांट, ये देखिए बैंगन उग रहे हैं, इधर अंदर भी बैंगन है, फ्लावरिंग भी हो रही है। और इधर हमारा मैरीगोल्ड है, और इधर ये सलोसिया की वेराइटी है, ये हाइब्रिड वेराइटी है, ये देखिए। और यहाँ पर हमारे फिर से ये पूरे रोसमोस रखे हुए हैं, और यहाँ देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर भी हमारे बैंगन के प्लांट रखे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे कुछ वेजिटेबल्स की वाइन रखी हुई है, ये देखिए वाइन लगी हुई है। और ये देखिए ये बिटर मेलन लौकी, तो ये भी अच्छे से चल रही है दोस्तों। और इधर करेले की बेल है, और गिलकी की बेर है। इधर भी हमारा ये देखिए ये काली हल्दी है यहाँ पर, और ये देखिए स्वीट पोटैटो की वाइन पूरा एरिया घेर लिया है, देखिए पूरे बेला बेला दिख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये देखिए करेला है। तो दोस्तों ये वाला छत कुछ इस प्रकार मेरा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक के पूरे मेरे प्लांट ही प्लांट है। तो ये वाला छत मेरा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा छत कैसे है, मेरा गार्डन कैसा है सॉरी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे वीडियो पसंद आए, तो मेरे वीडियो की को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, धन्यवाद।